हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय न्यू ब्लॉग। इतनी तेज हवा चल रही है ना, ओहो बादल आ ही गए हैं। देखना ये सब कुछ ख़राब हो जाएगा। हाय हाय, कैसे बचाऊँ अब इन सबको। देखो बादल आ ही गए हैं, बस ये बरसेंगे। अब पहले तो धीरे धीरे इनको उठा लेती हूँ, क्योंकि उठाए जाएंगे तो देखो। ठीक है, पहले इनको उठाती हूँ। इसको भी इतनी तेज आंधी शुरू हुई है ना एकदम। इस बार यहाँ से आ रहे हैं सारे बादल, देखना। या वैसे तो जा रहे हैं यहाँ से, पर क्या पता बरस ही जा रहे हैं। कैसे कैसे बचाऊँ मैं इनको। कल तो लड्डुओं को रखती हूँ अंदर। और ये तो फिर भी बच जाएंगे, जो बचाना है, जो मेन टेक्सचर्स हैं। शीट है ना, इतनी भारी हुई पड़ी है। और क्या करूं भाई, उठाऊंगी तो बाद में, पहले भर लूं इनको। पहले इसको रख दूं। प्लीज बारिश ना आए यार, ये टेक्सचर उठ जाएंगे और नहीं उठ पाएंगे। ले आ गई, शुरू हो गई है बारिश। ये सारा ये ग्रिटी वाला है क्या? ग्रिटी वाला है। देखो इसको भी अंदर रखती हूँ, और इसको भी, उसको भी वहाँ पे रखती हूँ। पहले यहाँ पे देख लूँ कैसे बचेगा सारा सामान। गिल्ला है सारा सामान, कुछ नहीं बच पाएगा। या तो मैं यहाँ पे शीट ला के रखूँ, यहाँ पे पूरे एरिया में शीट ला देती हूँ, यहाँ से बच जाएगा। यहाँ तक शीट ही डाल दूंगी, ठीक नहीं है। चलो फिर ये इसको कैसे बचाऊं। इस बॉल को, बॉल्स को रखती हूँ इतना इसके अंदर। व्लॉग भी, स्टोरेज भी खाली नहीं था, एकदम शुरू करा व्लॉग, 5 मिनट का ही बन पाएगा, तो आप देख लेना जैसा कैसा बनेगा। खराब ना हो जाए बस मेरी बॉल्स, गर्म हुआ अभी इतनी मुश्किल से स्टोरेज बनाया है भाई, व्लॉग तो बने। मैं सोची थी आज अच्छे से काम करूंगी, आज इतना बारिश जैसा मौसम हो गया। शीट
शीट अब इसके ऊपर क्या डालूं, अभी मुझे उसकी भी टेंशन है। कितनी क्यूट है यार ये, कितना सॉफ्ट है। कैसे बचाएं अब इनको, देखना कैसे काले काले बादल। इन बॉल्स को ना ऊपर रख दूं, वैसे अगर जो पानी आएगा तो वो शीट के ऊपर भी आ ही जाएगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। टेक्सचर गिर गया उसके अंदर जो था, पहले तो इस एरिया को शीट से कवर करती हूँ। ये देखना अभी मैं इसके साथ डस्ट प्ले करती, पर चलो अब नहीं करूँगी, शीट करके फिर मिलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनको उठा के थोड़ा यहाँ भी नहीं रख सकती, टूट ही जाएंगी ये। सो जी, इतनी मुश्किल से शीट डल दी है ना, और अब देखो बादल बादल है पर धूप निकलती है, देख लो कि देखो सूरज कितना चढ़ा हुआ, देखो मेरी शैडो तक बन रही है। इतनी मुश्किल से शीट दी है ना, इसको अकेले यहाँ से घसीट के लेके आई, क्योंकि पिछली बार जब मैं इसको वहाँ पे लेके गई थी तो मम्मी थी, ठीक है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही, क्योंकि एक बूंद टपकी है मेरे हाथ पे, पता नहीं कैसा मौसम है। मम्मी ने भी सारे कपड़े एकदम से अंदर डाले, गेहूँ हटाई और मैं भाग के छत पे आई, और अभी देख लो कितनी, मतलब वही तेज़ धूप निकल गई। इतनी मुश्किल से इसको यहाँ से यहाँ ले गई, फिर पहले वहाँ से पैकअप करी, पल पल तो खोल ली क्योंकि पूरी बिछा रखी थी हवा से, पूरी सिम खट्टी हुई पड़ी थी, सिमटी हुई पड़ी थी, खोला फिर इसको डाला जैसे तैसे, और फिर उड़े ही जाए। मैं एक जगह से बचाऊँ दूसरी जगह से उड़े, दूसरी जगह से बढ़ाऊँ तीसरी जगह से उड़े। इतनी मुश्किल से ईंट ला ला के दूर दूर से ढकी। चलो ठीक है, जो हुआ ठीक है, कहीं बारिश आए वो तो और भी नुकसान कर देना। अब मैं शीट हटाऊँ कि ना हटाऊँ, छोड़ो चलो अब नहीं हटाती, ठीक है, बाय बाय।